हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ इस करवा चौथ के फेस्टिवल में खीर की रेसिपी। व्रत खोलने के लिए हमें कुछ मीठा चाहिए होता है, और जब ये हमें चावल की क्रीमी खीर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो आज मैं चावल की खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी। इसको बनाने की एक खास ट्रिक है, जिससे कि इसका जो टेक्स्चर है वो और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाता है, और जो टेस्ट है वो इतना ज़बरदस्त है कि जब आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो बिना मावा डाले ही हम बिल्कुल घर पे आसान ट्रिक के साथ मावा वाली खीर की रेसिपी बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, ये सब फ्री है। तो देख लेते हैं आज की क्रीमी चावल की खीर की रेसिपी। चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, इसे मैं बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। अभी मैंने फ्लेम ऑफ रखी है, ऑन नहीं की है। तो इस पे हमें सबसे पहले क्या डालना है, ये 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है मैंने, इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर का दूध है, इस पे हमें ये मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो उसके लम्स हैं ये सारे हटने चाहिए। अगर गर्म दूध पे हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो उससे क्या होता है, लम्स बन जाते हैं और निकलने मुश्किल होते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि हम दूध को मिल्क पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, अब हम इसे मैं एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं दूध में। तो जब तक दूध हमारा बॉईल होता है, हम अपने चावल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 1/2 कप चावल लिया है, इसे मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो आप जो भी चावल की खीर बनाते हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, टूटा बासमती या नॉर्मल जो भी बासमती चावल है, या नॉर्मल बिना बासमती चावल भी जो है ना, सोना मसूरी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर लिया है, उस पे मैं यहाँ पे ये 2 चम्मच चावल जो सोक करके रखे थे उन्हें डाल दूँगी चावलों को। तो ये बहुत मेन ट्रिक है, इसे जरूर से आप करिए। और अब मैंने यहाँ पे 8-10 काजू लिए थे, इसको भी 1 घंटे पहले सोक कर लिया था। तो इसको मैं पानी के साथ डाल के इसे ग्राइंड कर दूँगी। बहुत अच्छा सा टेक्सचर इसका बनाना है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब जो ये बचे हुए चावल हैं, इन चावलों का की हम खीर बनाएंगे, तो इसको हमने खीर में इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो चावल और काजू हमने पीसे थे वो इस तरीके से हमको बारीक पीस लेना है। देखिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो बारीक होने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो दूध था ये भी अच्छे से बॉईल आ गया है। अब जो बचे हुए चावल है यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे चावलों को। फ्लेम मेरी अभी लो टू मीडियम है, ये डाल देंगे। और इसके बाद एक बार हम अच्छे से इसको चला लेंगे, चावल को और दूध को। थोड़ी देर हमें ऐसे चलाना होगा, क्योंकि जो खीर मैं बना रही हूँ वो स्टील के बर्तन में बना रही हूँ। तो क्या होता है, स्टील के बर्तन में ज़्यादातर दूध और चावल नीचे जाके बैठ जाते हैं और बहुत बार वो जल जाते हैं। इससे क्या होता है, खीर का टेक्स्चर और टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है। तो कंटिन्यू स्टियर करेंगे, हमें छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब साइड से भी हमें जो मलाई लगती है उसे स्क्रैच करके बीच में डालना है, और चावलों को इस तरीके से मैश करना है। ऐसे करने से क्या होता है, जो हमारी खीर होती है ना वो बहुत जल्दी कुक होती है, चावल भी मैश होते रहते हैं और वो पकते रहते हैं। ये देखिए अभी काफ़ी अच्छा टेक्सचर है यहाँ पे खीर का। और अब हमने यहाँ पे जो काजू और जो चावल का को पीस के हमने इसका एक बैटर बनाया था ना, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आप ये पीसा हुआ बैटर डालते हैं खीर में, ये एकदम से नीचे बैठ जाता है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी खीर को गाढ़ा कर देता है और वो बिल्कुल पतीले के नीचे चिपक जाता है। इससे क्या होगा, हमारी खीर जल सकती है। तो यहाँ पे अभी हमें खीर को छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यू स्टेयर करते रहना है और चावलों को मैश भी करते रहना है, क्योंकि वो अभी अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से कुक करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10-12 केसर के धागे, इनको मैंने गर्म दूध में भिगो दिया था 1 घंटे पहले, तो यहाँ पे इसको भी डाल देंगे और कंटिन्यू स्टियर करेंगे। ध्यान रहे खीर जलनी नहीं चाहिए, इस तरीके से स्क्रैच करते रहेंगे साइड से और बीच में डालते रहेंगे और कंटिन्यू स्टियर करते रहेंगे। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, खीर को मैं इसी तरीके से कंटिन्यू स्टियर कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ चावल के दाना पका है या नहीं पका है, हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। और खीर देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए चावल टूट रहा है काफ़ी अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी इस पर कसर मुझे अभी बाकी लग रही है, बहुत अच्छे से ये नहीं पका है। तो मैं इसको 5-6 मिनट और कुक कर लूँगी, और कंटिन्यू नीचे तक करछी हमारी जानी चाहिए, बर्तन के नीचे तक,
और उसे स्क्रैच करते रहेंगे और इसे कुक कर लेंगे अच्छे से। देखिए छोड़ना नहीं है। और अभी ये खीर बहुत गाढ़ी हो गई है, अभी थोड़ा और पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इस पर आपको एक खास ट्रिक बताती हूँ। ये जो एक ब्रेड लेनी है हमको, इस ब्रेड के ये जो कॉर्नर है ब्राउन कलर के, इसे हमें कट कर देना है और बीच का व्हाइट पार्ट हमें ब्रेड का चाहिए, तो इसे हमें ग्राइंड करके देखिए इस तरीके से ब्रेड क्रम बनाएंगे। अब ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये हमारी खीर को खोए जैसा टेस्ट देगी। तो यहाँ पे हमें इस ब्रेड क्रम को खीर में डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप इस खीर को अगर अपनी फैमिली को खिलाएंगे ना, तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इस खीर में खोया नहीं डाला है। यहाँ हमने खोए को रिप्लेस किया है ब्रेड क्रम के साथ। तो अब ये देखिए यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ बादाम, काजू और थोड़े पिस्ता और थोड़ी सी चिरौंजी। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। तो ये ब्रेड क्रम में ना ये वही टेस्ट देगा जो एक खोए वाली खीर देती है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। सिर्फ एक ब्रेड को पीस के आप अपनी खीर में डाल दीजिए, आपको यकीन ही नहीं होगा इतनी टेस्टी खीर बनती है ये। अब यहाँ पे चीनी ले लेंगे हम। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल कम करिए। तो यहाँ पे मैंने चीनी 4-5 चम्मच ही डाली है, ज़्यादा चीनी मैं नहीं खाती हूँ। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ी सी जो ये खीर है लिक्विडी हो जाएगी, तो इसको 2-3 मिनट हम लोग ऐसे कुक कर लेंगे जब चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए टेक्स्चर अभी खीर का ऐसा है। अगर आपको गर्म गर्म खीर पसंद है तो आप इस स्टेज पर इस खीर को खा सकते हैं, लेकिन जब इस खीर को आप ठंडा करके खाएंगे ना, तो इस खीर का टेस्ट दोगुना हो जाता है। बिल्कुल क्रीमी और मलाई वाली खीर बनती है। अब यहाँ पे मैंने ये 2 इलायची इसको फ्रेश क्रश करके ये डाल दी है लास्ट में, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस जो आता है वो डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐसे डालेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है खीर की और बिल्कुल बाजार जैसी खोए वाली खीर का टेस्ट आता है। जो मार्केट में मिलती है ना ठंडी ठंडी खीर, तो ये वही टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितनी क्रीमी अभी से आपको दिखाई दे रही है और ये खीर मेरी तैयार हो चुकी है। अगर आप गर्म गर्म खीर खाते हैं तो इस स्टेज में आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार ठंडी खीर खा के देखिए इसका टेक्स्चर, इसका टेस्ट बहुत मजे का लगता है। तो बस मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारी खीर तैयार है और ठंडी होने के बाद देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके से है, बिल्कुल क्रीम जैसी लग रही है ना। और यकीन मानिए खाने में भी बिल्कुल क्रीम मलाई जैसी ये खीर लगती है। तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी, सिर्फ वो इन्ग्रीडियंट है जो हमारे आसपास हमारे किचन में आराम से मिल जाते हैं, उन्हीं इन्ग्रीडियंट के साथ हमने ये क्रीमी खोए वाली खीर को बनाया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रेड डालने से और मिल्क पाउडर डालने से आपकी खीर का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो बिल्कुल नई तरीके की ये खीर है, एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। मुझे पूरा यकीन है आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगी। तो कभी भी आपको अगर खीर बनाने किसी भी फेस्टिवल में, भाई दूज में, राखी में या करवा चौथ में, किसी भी दिन आप इस खीर को त्यौहारों में बना सकते हैं। वैसे ही त्यौहारों का सीजन जो है वो स्टार्ट हो ही चुका है, तो इस त्यौहार में आप इस खीर को ज़रूर से बनाइए। देखिए इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ठंडी ठंडी खीर है और कितनी अच्छी गाढ़ी है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।